नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। जिस तरीके से राजस्थान में अभी फिलहाल घमासान मचा हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। देश की राजनीति में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अभी गरमाया हुआ है, वो है राजस्थान की सियासत को लेकर। हम आपको बताते चले कि देखिए, जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो अब जंग चल रही है, उसके बाद से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है और वो लगातार अब यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो ये जंग जारी है इसे खत्म कर दिया जाए। आपको हम बताते चले कि 6 और 7 अक्टूबर को सोनिया गांधी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि सचिन पायलट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अशोक गहलोत गुट के जितने भी तमाम विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, वो उनके साथ आ जाए। क्योंकि देखिए, 102 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद 102 विधायकों की बस यही मांग थी कि अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बने तो 102 विधायकों में से ही कोई होना चाहिए, क्योंकि उनका साफ कहना था सचिन पायलट को मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जाएगा। तो उसके बाद लगातार सचिन पायलट 10 जनपद पर जाकर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। हम आपको यह भी बताते चले कि देखिए, अब सचिन पायलट की एकमात्र कोशिश अभी यही जारी है कि उनका यही कहना है कि मैं जितने भी विधायक हैं उन्हें अपने साथ कर सकता हूं। और जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि अशोक गहलोत गुट के जो बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे विधायक हैं अभी फिलहाल, अब सचिन पायलट ने उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है। अब इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट की तरफ से ये तमाम कोशिशें की जा रही है कि उन्हें ही अगला मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। आपको हम बताते चले, प्रताप सिंह खाचरियावास अशोक गहलोत के बेहद ही खास रहे हैं और अब देखना यह है, क्योंकि देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास कभी सचिन पायलट के साथ दिखते हैं तो कभी अशोक गहलोत के साथ दिखते हैं। तो अब ऐसे में देखना यह है कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास अभी कर रहे हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने मैं किधर चला, तो अब देखना यह है कि प्रताप सिंह खाचरियावास क्या सचिन पायलट का साथ देंगे या फिर जिस तरीके से वो अशोक गहलोत के राइट हैंड बने हमेशा रहते थे, क्या फिर वो अशोक गहलोत के साथ ही रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की गद्दी किसे मिलनी चाहिए, और आप लोगों को क्या लगता है, प्रताप सिंह खाचरियावास क्या सचिन पायलट का साथ देंगे या फिर अशोक गहलोत का साथ देंगे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।